आर्मी में फेल किए जाने से गुस्साए छात्राओं ने जमकर की तोड़फोड़, टीचर घायल। मुरादाबाद के मानसरोवर कॉलोनी स्थित एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज दर्जन भर छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। इन छात्राओं और इनके परिजनों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इन्हें जानबूझकर 12वीं क्लास में फेल कर दिया, जिसे लेकर ये छात्राएं पिछले एक महीने से जिला प्रशासन के सामने पहुंचकर अपनी बात कहते आ रहे हैं, लेकिन आज उनका सब्र का बांध टूट गया और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्राओं के गुस्से को देखते हुए स्कूल स्टाफ ने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया, जिसके बाद छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई ऑफिस और क्लासरूम भी तोड़ दिए गए। मंजुला थाना क्षेत्र स्थित साई विद्या इंटर कॉलेज में आधे घंटे तक छात्राओं ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरों में बंद स्टाफ को बाहर निकाला, जिसमें से कई के चोटें लगी हुई हैं। क्यों 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 तोड़ रहे, क्या वजह, क्या हुई, क्या बात, क्यों तोड़ रहे हो? क्या हुआ क्या हुआ? ये शीशे तोड़े हैं सर, इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। आप कौन हैं? हम यहाँ के टीचर हैं, हम ऑफिस में थे, एकदम से हमला बोल दिया, मार तोड़ शुरू कर दिया। तो ये आपके ये लगा क्या? मैम हमें नहीं पता ये किसने तोड़ा है। मैम हमने आप सोचे आप लोग ऑफिस सर देखे आप लोग इतना शोर मचाते हुए आओ तो किसी को नहीं लगेगा। श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज है यहाँ पे। कुछ दिन पहले जब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम डिक्लेयर हुए थे तो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उन्होंने रोष व्यक्त किया गया था। उनका कहना जब इसमें स्कूल द्वारा बताया गया था कि इन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट थी, इन्होंने कुछ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए वही रिपोर्ट भेजी थी जिसके आधार पर इनको फेल कर दिया गया था। बाद में इनके प्रत्यावेदन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन DM सर, SSP सर के सामने रखा था, तो इनका प्रत्यावेदन शासन को भेजा गया था। उसके बाद इनको पास किया गया था। फिर इनमें एक बात ये थी कि इनके कम नंबर आए हैं, इसलिए इस चीज़ को लेकर ये लोग आज स्कूल पे इकट्ठा हुए थे और फिर यहाँ पे इनके और इनके पेरेंट्स और जो अन्य लोग थे इनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। इसमें जो पूर्व में भी UP बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि 27 अगस्त तक ये लोग फॉर्म भर सकते थे, जिनको भी अपने कम नंबरों या फिर से री एग्ज़ाम देना चाहते थे अपने मार्क्स को बेटर करने के लिए। इसमें जो आज ये घटना हुई है इसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पूरी कार्रवाई की गई है।